केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस अभियान का असर अब हर जगह देखा जा रहा है। लिहाजा राजस्थान प्रदेश के भरतपुर जिले में भी अब स्वच्छ भारत अभियान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता जा रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें जिले के छोटे से गाँव भेसा के सामने आई है, देखिए एक खास रिपोर्ट। जी हाँ, जिले के छोटे से गांव भेसा के युवा अपने खर्चे के दम पर अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए जान से लग चुके हैं। ग्रामीण नवल किशोर शर्मा ने बताया कि हमारी पंचायत में कुछ समय पहले गंदगी ढेरों के रूप में अपना डेरा डाले हुए थे, जिसे देखते हुए हमने सफाई अभियान चलाया है जो कि लगातार एक महीने से सक्रिय है, जिसके चलते हम अपने गाँव को गंदगी से मुक्त कराना चाहते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों के घरों के आसपास गंदगी न फैलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे गांव की एक स्वच्छ तस्वीर निकल कर आ सके। इसी दौरान केएनएन न्यूज के संवाददाता हेम सिंह कुशवा भी ग्रामीणों से विशेष बातचीत करने पहुंचे, तो क्या कुछ हकीकत निकल कर सामने आई, देखिए। केएनएन न्यूज का विशेष कार्यक्रम पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। जी हां, पॉल्यूशन आप देख सकते हो फिलहाल भैंसा गांव में कितना हो रहा है, कितना अतिक्रमण हो रहा है, रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। उसी गांव की जमीनी जड़ को जानने के लिए मैं आज इस गांव में मौजूद हूं और जानूंगा उन युवाओं से जिन्होंने एक कमेटी बनाकर अपने गांव को गंदगी से मुक्त करने की कोशिश की है। जी हाँ, तमाम वो युवा आज मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा किस तरह वो गाँव गाँव जाकर घर घर जाकर अपनी पूरी पंचायत में घूमकर लोगों से निवेदन करते हैं कि भाइयों गंदगी से बचो और इससे होने वाली बीमारियों से अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को दूर रखो। जी हाँ, तो वो ही आज तमाम युवा। सबसे पहले मैं आपको नवल किशोर शर्मा जी, यहीं के स्थानीय निवासी हैं जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह आप इस मुहिम में गति दे रहे हैं। सर, ऐसा है कि गाँव के चारों ओर मैंने देखा कि बहुत गंदगी के ढेर लग रहे हैं और उससे बीमारियां फैल रही हैं, और पैदल तो क्या बाइक से भी नहीं निकला जाता। तो मैंने अपने भाइयों से निवेदन किया कैसे भी करके इसको स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने गांव को स्वच्छ करना है, तो उसमें इन्होंने सभी ने सहयोग दिया और मेरा काम चल रहा है 3-4 महीने से। उधर से भी सफाई हो रही है और पूरे इलाके को अपन भाई लोग सभी मिलके और पूरे गाँव को और पूरी पंचायत को भी यहाँ तक कोशिश होगी पूरी स्वच्छ, मतलब बिल्कुल स्वच्छ करना गंदगी से, क्योंकि इससे क्या बीमारियाँ कम हों और अपना सभी लोग अच्छी तरह से निकल सकें, सही रह सकें, इसके तहत सभी ने पूरा सहयोग किया है और करते रहेंगे। और अपना तो एक ही इरादा है कि जब तक गंदगी से मुक्त नहीं हो जाता हम चैन से नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। और कुछ भी युवा मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जान लेता हूं कि इस मुहिम के बारे में आपका क्या कहना है। तो आपका जो रास्ता ये फिलहाल पिचूना के लिए जाता है यहां से और ये बिल्कुल ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और आपकी जो मुहिम लगातार आगे बढ़ रही है, आप घर घर जाकर लोगों से निवेदन करते हैं गंदगी से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताते हैं, और आप मोदी जी का जो नारा है क्लीन इंडिया मिशन, उसमें आप किस तरह गति दे रहे हैं? जी सर, मोदी जी ने एक अपना एक नारा लागू किया है जो मतलब ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने मतलब ये पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने का एक बीड़ा उठाया है जी, जिसमें मतलब हमारे गाँव भैंसा पंचायत भरतपुर जिले की मतलब उस गाँव में इतनी गंदगी पड़ी हुई थी जिसकी कोई सीमा नहीं, उसमें हरी बीमारी दुनिया भर की, मलेरिया मच्छर कीड़े मकोड़े दुनिया भर के पैदा होते थे, बुजुर्ग आदमियों को निकलने में परेशानी आती थी। आज भी एक रास्ता ऐसा है जो मतलब ये आज भी अवरुद्ध है, उसमें निकलने के लिए ना तो पैदल निकल सकते ना कोई वाहन से निकल सकते, इसलिए हम लोगों ने एक एक मंडल बनाया है जिस मंडल में मतलब ये नवयुवक हैं, उन्होंने एक मतलब ये अपना बीड़ा उठा लिया कि हमको पूरी पंचायत क्षेत्र को मतलब ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ बनाना है। जी बिल्कुल, ये थे तमाम वो युवा जो अपने गांव को एक अनोखी तस्वीर के रूप में देखना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपने गांव को गंदगी से मुक्त करेंगे। कैमरामैन सोन सिंह योगी के साथ हेम सिंह कुशवा, केएनएन न्यूज भरतपुर।